सो मैं कई दिनों से एक बजट लैपटॉप ढूंढ रहा हूँ और फाइनली मुझे एक लैपटॉप मिल चुका है जिसका नाम है Asus VivoBook X507U। और ये जो लैपटॉप का जो प्राइस है ये ऑनलाइन पे अलग है एंड ऑफलाइन मार्केट पे ये अलग है। अगर ऑफलाइन मार्केट की प्राइसिंग देखें तो ये आपको मिलने वाले है 30,000 रुपये में, और अगर ऑनलाइन पे आपको अगर देखने जाए तो ये आपको पेटीएम मॉल पे एक्सक्लूसिवली 28,000 रुपये में ये मिलेगा। और साथ ही साथ आपको 3,000 रुपये का कैशबैक भी आपको इस लैपटॉप के साथ मिलने वाले है। और इस लैपटॉप के जो वेरियंट कई सारे वेरियंट है, बट मैं यहाँ पे एकदम लोअर वेरियंट में परचेज किया क्योंकि मुझे एक बजट लैपटॉप चाहिए था और मैं इस लैपटॉप को करीब एक हफ्ते से इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो आज मैं आपको देने वाला हूँ इस लैपटॉप का एक रिव्यू और मैं आपको बताऊंगा ये लैपटॉप आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो हे गाइस, आई एम योर बड़ी संदीप साहा एंड यू आर वाचिंग टेकी संदीप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल ओवरव्यू की। इसकी बॉडी आपको मिलती है प्लास्टिक की, बट इसकी एल्युमिनियम फिनिश एक प्रीमियम एंड इंटरेस्टिंग लुक देती है इस लैपटॉप को। और साथ ही साथ इसकी कॉर्नर मोल्डेड है जो इस लैपटॉप के लुक को और भी ज़्यादा एनहांस कर देती है। और अगर इसकी थिकनेस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा थिक है एंड साथ ही साथ ये काफ़ी लाइट वेट भी है जिसकी वजह से इस लैपटॉप को काफ़ी ज़्यादा पोर्टेबल बना देती है। तो इस लैपटॉप की लेफ्ट साइड पे आपको देखने को मिलेगी एक चार्जिंग पोर्ट, 2 USB पोर्ट, 2 LEDs, एक SD कार्ड स्लॉट और एक HDMI पोर्ट एंड हेडफोन जैक। और अगर इसकी राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक USB 3.0 का पोर्ट देखने को मिलेगा। अब आपको लैपटॉप के नीचे देखने को मिलेगी 2 स्पीकर ग्रिल्स, काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है क्योंकि यूज़र अगर फ्लैट सरफेस पे लैपटॉप को रखेगा तो आवाज़ गूंज के यूज़र की तरफ आएगी और बेटर साउंड क्वालिटी देगी, बट ऐसा नहीं है। स्पीकर की साउंड क्वालिटी की बात करें तो वो एवरेज सी है, ज़्यादा लाउड नहीं है, हाँ बट थोड़ा बेस आपको यहाँ पे मिलता है एंड ऑडिबल है। और इसकी कीबोर्ड की बात करें तो मुझे इस लैपटॉप का कीबोर्ड काफ़ी पसंद आया है एंड आपको यहाँ पे फुल नमपैड भी मिलता है और ओवरऑल जो कीज़ है वो काफ़ी अच्छी है एंड रिस्पॉन्सिव है। और अब हम बात करते हैं ट्रैक पैड की। बजट लैपटॉप होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छा ट्रैक पैड मिलती है, स्मूथ है, रिस्पॉन्सिव है और साइड में आपको एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है जो काफ़ी अच्छी है एंड फास्ट है। यानी कि आपको 30,000 के बजट पे आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलता है और ट्रैकपैड के साइड पे जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है ये काफ़ी ऑसम लग रहा है एंड आपके लैपटॉप को और भी ज़्यादा प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो आपको यहाँ पे 15.6 इंच का HD डिस्प्ले आपको मिलता है और ये एक नैनो एच डिस्प्ले है, यानी कि इसका बेजल्स काफ़ी कम है। डिस्प्ले के मामले Asus काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है, अपने लैपटॉप्स में बेजल काफ़ी कम कर दिया है जो लैपटॉप को एक मॉडर्न लुक देता है। और अगर डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो ऑनेस्टली उतनी अच्छी नहीं है, हाँ बट इसकी डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट है। और अगर व्यूइंग एंगल की बात करें तो हाँ इसके कलर फेड होते हैं ऊपर नीचे लेफ्ट राइट करने में, बट HP का जो 50,000 का लैपटॉप पे जो डिस्प्ले मिलता है तो उससे ये काफ़ी बेटर है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो आपको यहाँ पे प्रोसेसर मिलता है इंटेल की i3 6th generation वाली, 4GB की DDR4 वाली रैम और 1 TB की हार्ड डिस्क। तो जैसा कि ये एक बजट लैपटॉप है और इसका प्राइस 30,000 के नीचे में है तो आपको यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड नहीं मिलेगी, तो इसके वजह से ज़्यादा हेवी हाई एंड गेम स्मूथली नहीं खेल सकते। तो अगर आप इसके अपर वाले वेरिएंट लेंगे जिसका प्राइस 35,000 के आसपास है वहाँ पे स्मूथली गेम्स खेल पाएंगे कॉज वहाँ पे आपको 2 GB का एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड मिलेगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैटरी बैकअप की। तो आपको इस लैपटॉप पे 4 से 5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बैकअप दे देती है। और साथ ही साथ आपको फास्ट चार्जिंग भी ये लैपटॉप सपोर्ट करता है जिसकी वजह से काफ़ी जल्दी फुल चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी OS की। तो आपको यहाँ पे Windows 10 64-bit मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर रही थी, बट बीच बीच में मैंने थोड़ी लैग नोटिस की है जो कि ऑब्वियस है बजट लैपटॉप पे। तो चलिए अब हम बात करते हैं ये लैपटॉप हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मेरा जवाब है हाँ, आपको ये लैपटॉप ज़रूर लेना चाहिए, बजट लैपटॉप है, काफ़ी अच्छी परफॉर्म करती है, लुक एंड डिज़ाइन काफ़ी प्रीमियम है। बट आप इस लैपटॉप पे हाई ग्राफिक्स गेम्स तो नहीं खेल पाएंगे, बट आपके डेली यूजर्स के लिए थोड़ा मोटा गेम खेलने के लिए या फिर बिजनेस के यूजर्स के लिए तो ये काफ़ी अच्छी चॉइस है। और अगर आपको इससे अच्छी वाली परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको इसके अपर वाले वेरिएंट परचेस कर सकते हैं।
सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप आपको Asus का लैपटॉप का रिव्यू पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और नीचे मुझे कमेंट करके बताइए आप कौन सा लैपटॉप परचेस करने वाले हो। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। फिर मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।